स्पेशल जुवेनाइल पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की समन्वय मासिक समीक्षा बैठक एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीडी मिश्र, डॉक्टर मुमताज खान सहित सभी थानों में नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी, जेजेपी, सीडब्ल्यूसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में बच्चों के पंजीकृत समस्याओं, यौन शोषण सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया। आप किसी बच्चे को पकड़ते हैं और उसका गार्जियन मौके पे आपसे कहता है कि साहब हमारे लड़के को बस सुना था, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देता उसमें, आप बिल्कुल से जायज चीज अपने लिखे कि इनके संरक्षक ने बताया कि मेरे बच्चे की उम्र 15 साल है। मोबाइल चोरी कर दिया, मैं सब बता रहा हूँ, एक लाइन से एक एक पिन पर डिस्कस कर रहा हूँ, आप सुनो पहले। मैंने अधीन पूरा बालिका लाभ मिलेगा, और प्रथम दृष्टिया, देखिए जहां आप अपना प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करिए वहां के प्रथम दृष्टिया शब्द का इस्तेमाल करिए, ये प्रथम दृष्टिया से ये लगभग 14 वर्ष का लग रहा है। आप फिर मेडिकल करा कर की तो भेजो मुझे उसको, पर तो है नहीं निर्धारित, तो तुम करना पंजीकृत ही ना करेंगे उस समय। हां उस समय करेंगे, अगर नहीं, अगर कहीं बच्चों भाई चोर की कोई उम्र थोड़ी दिखेगा जी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप पहले पर्चे में बाली का बयान लिखने के बाद, ठीक है ना, आपको देखिए चीज और आपको लोग बता दें जो चीज को नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा, खटखट लिखते चले जाते हैं, जो कालम हो तो कालम के ऊपर क्या लिखा है कोई नहीं देखते हैं, जो दीवान होते हैं चार्जशीट हमेशा लिखा रहता है, बकवास पता स्थाई पता, अपने को ध्यान नहीं दिया, ध्यान से देखिएगा फॉर्मेट, हमेशा ध्यान से देखिए कि फॉर्मेट क्या है, कानूनी रूप से आ जाइए तो बाजी के उस बयान में स्पष्ट करिए कि उसके ऊपर क्या है, तुम्हारे पड़ोस का है तो चलता है, उनको फोन करते हैं सीधे करता हूँ, उसी स्टेज का लिख दीजिए कि सेक्शन परिवार से संबंधित है, व्यवस्था की जाने कोई विधिक प्रावधान नहीं है, जरिए रिपोर्ट तैयार करने को लगाया जाता है तथा बाजी को हिदायत दी जाती है कि आप चाहें तो सक्षम न्यायालय में परिवार दाखिल कर सकते हैं। तो गलती जिस स्टेज पे आपको लगे कि यहाँ पे हमको, तो उसके बाद उस गलती पर बिल्कुल बढ़ता बढ़ता रखने जो नहीं है उसको वहीं से फिर कट ऑफ कर दीजिए। नाबालिग के मामले में जहां आपको क्लियर हो जाए किसकी उम्र इतनी है, अकेला बच्चा है, 7 साल तक अपनी सजा है, वहीं तुरंत को फिनिश कर दीजिए। 70% नहीं पूछे आय तक पड़ता है, रूल्स को नहीं पड़ता, जबकि रूल्स ही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जी मीटिंग खास तौर से जो थाने पर बाल कल्याण अधिकारी हैं, जो मुंशी लोग हैं, उनको बुलाया गया है। ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, उसके प्रति और उनकी संवेदनशीलता, उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए ये दोनों एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, और कहीं ना कहीं संवेदनशीलता की कुछ ना कुछ कमी या जानकारी की कमी रहती है, उसी जानकारी को थोड़ा और सही करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए भी आज ये वर्कशॉप किया जा रहा है। हाँ मुख्य बिंदु यही है कि बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, थाने पर आते हैं उनको खास तौर से जो बाल कल्याण अधिकारी होते हैं या थाने के जो लोग, जब अगर कोई बच्चा जघन अपराध करता है उसके बावजूद भी उस गिरफ्तार करने वाला अधिकारी सादे वस्त्र में रहेगा, उसके साथ एक अच्छा संवाद करेंगे, तो बच्चों के संबंध में एक विशेष अधिनियम से बने हुए हैं, तो उसमें बहुत ढेर सारी बारीक बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो कहीं ना कहीं कार्य की व्यवस्था का कारण हमारे जो ये अधिकारी हैं, हमारे जो विवेचक हैं, इन सबको पूरी जानकारी कुछ कमी रह जाती है, तो आपसे चर्चा के दौरान ये इस वर्कशॉप के माध्यम से उसको हम लोग अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं।